स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर अटॉर्नी का पेपर ये 12 अक्टूबर 2024 को हुआ है इसका केस नंबर है 27H 2023 असिस्टेंट डायरेक्टर अटॉर्नी के पेपर में 25 मार्क्स का इंग्लिश के एमसीक्यूज आए थे जबकि ए डी ऑटॉर्नी के जो तीन पेपर होंगे जिसमें 75 नंबर का हार्ड पेपर जो होगा सब्जेक्टिव होगा और ट्वेंटी नंबर के एम आएंगे अभी ये आपके सामने पेपर है ये व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा था कि ये पेपर आ जाया है ये मैंने तस्वीर तो लगाई है क्वेश्चन नंबर वन में आपने शॉर्ट रोट लीतना था सेकंड में आपने ये लॉ से सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे और देन क्वेश्चन नंबर थ्री ये पच्चीस पच्चीस मार्क्स के तीन क्वेश्चन थे पचहत्तर तो नंबर के सेवेंटी फाइव मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए और एंड पे ट्वेंटी फाइव मार्क्स के इंग्लिश के एम सी क्यूज थे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलते हैं अपनी ये क्वेश्चन नंबर वन की तरफ क्वेश्चन नंबर वन में कह रहा है हमने सूटेबल का मतलब होता है उल्ट माइनी हमने बताने हैं तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोवोक का एंटोनिम क्या होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट वंस अगेन इस क्वेश्चन में भी वो एंटोनिम के बारे में पूछ रहा है टेंजिबल टेंजिबल का मतलब वो चीजें जिन्हें हम छू सकें तो इसका ऑपोजिट होगा एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो अनविजिबल विजिबल ना हो ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर द वंस अगेन आपने उल्टा बताना बताना अर्बैनेटी। अर्बैनेटी का मतलब इसका जो उल्ट होगा आप ऑप्शन बी पर है ये डिफाइन देफ, किया है मैंने, मैंने आप कोई काम करें उसको अरबेनिटी कहते हैं जबकि क्रूटनेस इसका का है क्वेश्चन नंबर फोर एंटोनिम ऑफ सेपियंट एंटोनिम हमने बताना था एंड इसका एंटोनिम है सिंपल यू मस्ट गेट विद डैश अन थिंगाथर पास लास्ट संडे पास्ट अवे जब कोई फोर्थ हो जाए तो हम लिखते हैं पास्ट अवे ऑप्शन टू डैश that he is going to abroad option a predict option b understand option c learn and option d think and the correct answer is think option d is correct he was destined dash the bar option a about option b over option c t and option d option c in and option d to and the according to option jahaan pe jo correct option ban raha hai वो है टू ऑप्शन डी लेकिन जो ये फ्रेजर वर्ब है टू वर्ब के साथ हम प्रजेशन लगाते हैं वो जो कनेक्ट फ्रेजर वर्ब फ्रेजल वर्ब है वो है डिस्टाइन फॉर वर्ब बट पेपर में ये एम सी क्यूज ही नहीं आया ये ये ऑप्शन ही नहीं आया डिस्टाइन फॉर का तो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बट टू होगा मैंने सर्च किया है गूगल पे काफी तो डिस्टाइन फॉर से फ्रेजल वर्ब मिल रही है डिस्टाइन टू से 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 इन या अबाउट से कोई भी फ्रेजल वर्क नहीं मिल रही तो यहां पे अगर क्वेश्चन की हद तक हम देखें तो मुझे फिर डिस्टाइन को सूटेबल लगा है या बेकन है थर्स्ट डैश नॉलेज फॉर नॉलेज नॉलेज अबाउट ऑफ नॉलेज या टू नॉलेज ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर नॉलेज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडर लाइन एटीएम अब ये है, आपने के बताने हैं तो जुमलाइक बट यू आर जस्ट ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये ए टी एम है इसका मैंने बताना है कटिंग ऑफ योर नोस टू स्पाइट योर फेस कटिंग ऑफ योर नोस टू स्पाइट यूर फेस का हमने ये का मायने बताना है ऑप्शन बी आप देखें मेकिंग अ सिचुएशन वर्स फॉर योरसेल्फ आउट ऑफ एंगर ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये भी हमने ईटीएम का मायने बताना था एट ए पिंच आई कैन हेल्प आउट एट अ पिंच इज यू नीड अ बेबीसिटर बेबीसिटर कहते हैं जो पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में बच्चे की देखभाल करे तो वो कह रहे हैं आई कैन हेल्प आउट एट ए पिंच एका पिंच का हमने बताना है क्या मायने है तो ऑप्शन सी देखें आप केस ऑफ एन एमरजेंसी ऑप्शन सी इज करेक्ट अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन सी जॉब अनाउंस हो रही है और उसकी लास्ट डेट क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है कौन कौन इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है और इसके अलावा जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर शो हो रहा है इसे अपने पास एम एस जी के अकेडमी के नाम से सेव कर ले और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा उसे ओपन करके फिल कर दे इनशाला आपको विद इन वन वीक

इन हॉट वाटर मीन्स का मतलब होता है आप किसी से फेस कर रहे होते हैं मुश्किल में होते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट सिलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिस तरह ये लिखा हुआ है अ पर्सन हु लव्स वो भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसके लिए सबसे बेहतरीन वर्ड कौन सा होगा तो ऑप्शन बी देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में सॉरी ये नहीं होगा ऑप्शन ए है बिब्लियोफाइल तो अ पर्सन हु लव्स बुक

आप कोई भी रिटर्न वर्क कर नहीं कर पा रहे बिकॉज समथिंग इन योर माइंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग इट तो इस विषय के लिए कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे तो ऑप्शन बी देखें राइटर्स ब्लॉक ऑप्शन बी इज करेक्ट। वंस अगेन वन वर्ड ऑफ हमने बताना है तो जुमला प्यार हमारे पास अ पर्सन हु अपोजेस वॉर एंड वायलेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट पेसिफिस्ट चूज द करेक्ट्स अब अब हमने बतानी है चूज द सूटेबल प्रेपोजिशन हमने प्रेपोजिशन लगानी है द लाइन रैन डैश द डियर एंड टू इट इनटू टू पीसीज द लाइन रैन एट द डियर ऑप्शन बी इज करेक्ट वंस अगेन अब हमने यहाँ पर प्रेपोजिशन ही बतानी है वी आंट वी एंट डैश एन एग्रीमेंट यहाँ पर आएगा वी एंट इन एन एग्रीमेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डिफर डैश यू ऑन दिस इशू आई डिफर विद यू ऑप्शन सी इज क्रेक्ट वर्क हार्ड लेट फेल विल नॉट फेल टू फेल सेल्ड जब भी लेस्ट का वर्ड आता है जुमले में तो उसके साथ हमने शूट लगाना होता है ये बार बार प्रीपीएस क्वेश्चन रिपीट करता है तो लिहाजा ऑप्शन सी इज करेक्ट चूज वन From the, अब ये हमने करना है. तो सेंटेंस क्या ब्रदर तो यहाँ पे जो करेक्ट बनेगा देखें, आप देखें ऑप्शन सी देखेंस मी एज इफ आई वर्ड इज ब्रदर ऑप्शन सी इज कॉरेक्ट ये भी करेक्ट सेंटेंस हमने करना है सन राइज इन ईस्ट तो इन ईस्ट होता है इन ईस्ट में सात आर्टिकल लगता है तो इन ईस्ट वाला कौन सा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी है सनराइजेज इन ईस्ट अब चूज़ मोस्ट सुटेबल सिनोनिम हमने बताना है तो सिनोनिम किसका बताना है आउटरेजियस का बताना है अंडरलाइन वर्ड ये वॉज डिस सॉरी शी वॉज डिस क्या होगा शॉपिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट सूटेबल सिनोनिम बताना है ना, हमने फिर in in का क्या होगा? D, देखें आप, inconsistent, तो ये लास्ट है, हमारे पास फेलिसिटी का मतलब हमने बताना है तो इसका मतलब होता है happiness option, B is correct. तो ये था आज का पेपर ये हमने आपके साथ डिस्कस किया इसके अलावा जो कल लेक्चरर पार्क स्टडी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पार्क स्टडी अकाउंट ऑफिसर के जो पेपर होने जा रहे हैं या ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो लेक्चर पार्कस्डी के पेपर है वो जीके के इम्तिहान के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आपक्चरर पार्कस्डी में नहीं भी अपेयर होना तो जीके में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो विद पी डी एफ शॉर्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा इसके अलावा जो अकाउंट ऑफिसर का पेपर है अगर आप लेक्चर कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो लेक्चर अकाउंट ऑफिसर का पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो भी शॉर्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपनी लाइक लाजमी करें चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा वीडियोस भी मिलती रहे थैंक यू वेरी मच